hearts must be beating faster. So for the next topic, we've got a cardiologist for you. So Dr. Mohit Dayal Gupta, a big round of applause for him. He's come all the way from Delhi. He deserves a big round of applause for that. He's a recipient of prestigious D.P. Basu Memorial Award for the Young Scientist of the Year by the Cardiology Society of India. Lovely. He's received Dr. Radhakrishnan Distinguished Teacher Award. He's given more than 500 lectures, conducted symposiums in USA, UK, Oxford, and Cambridge universities. Thank you so much for a very generous introduction. Thank you, Dr. Mehta, for giving me an opportunity to share my thoughts on a topic which is very close to my heart. Easy life for busy people. I could actually feel the energy. Abhi aap dekh rahe the, abhi hum sab logon ko Prem bhai ne bachcha bana diya tha. Whether it was young person or old person, they were dancing with same joy. और यही बात मुझे कुछ शब्दों में ध्यान आती है कि अपने अंदर हमें अपने बचपन को अपने चाइल्ड को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए. वी शुड नेवर लेट द चाइल्ड इनसाइड अस डाई. क्यों? क्योंकि चाइल्ड की जो ब्यूटी होती है वो होती है इनोसेंस, वो होती है जॉय. वो हमेशा मुस्कुराता है, उसका दिल, उसका मन बहुत निश्चल होता है. और तभी मैं कई बार सोचता हूँ, अभी फ्राइडे की बात है, रात को 3 बज गए थे हॉस्पिटल के अंदर, और मेरे दो असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो मुझे असिस्ट कर रहे थे कहते हैं सर बहुत थक गए हैं, इमरजेंसी केस आया हुआ है. मैंने उन्हें बोला कि यू इन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग. और मैंने उनको साथ में ये भी कहा कि कई बार दिल यही कहता है कि कागज़ की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था. तो जिंदगी हमारी कई बार भागती चली जाती है. ऐसी जिंदगी हो गई है कि सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सलेटर दबता है और रात को आके एल्प्रेक्स के साथ ब्रेक लग जाता है. सभी लोग सवेरे से लेकर शाम तक भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं. बहुत सुंदर शब्द आइंस्टाइन ने आज से कुछ दशक पहले कहे थे, आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी ओवरलैप्स और ओवरलैप्स विद अवर ह्यूमैनिटी. ऑन दैट डे द वर्ल्ड विल ओनली हैव द जनरेशन ऑफ इडियट्स. एंड यू सी This is what has happened in our life. आप देखिए, हम डिनर पे जाते हैं तो हमारे साथ हमारा मोबाइल होता है, हम बीच पर जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं तो भी हम अपने मोबाइल के साथ व्यस्त रहते हैं, कोई घर पे गेस्ट होंगे तो बात हम सामने ऐसे कर रहे होंगे लेकिन हाथ हमारे ऐसे 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 चलते रहते हैं. और कुछ समय बाद तो ऐसा जमाना आ जाएगा कि हमारे पास छोटे छोटे पोर्टेबल मोबाइल आ जाएंगे जो कि यहाँ पर लगा लिए जाएंगे कि कम से कम हम सामने देख के तो बात करें. हम सामने देखकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं. तभी हमारा मन यही कहता है कि आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली राइट. बिकॉज आज हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते करते हाई टेक तो अपने आप को बहुत बना लिया है, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर से हाई टेक होने के साथ साथ हाई टच जो है वो खत्म हो चुका है. हमारी लाइफ के अंदर जो प्यार है, वो कम्फर्ट है, उसको हम कोसों दूर जो हैं वो छोड़ चुके हैं. और इसके लिए हमारे बहुत सुंदर शब्द जो आते हैं वो यही आते हैं कि हर खुशी है लोगों के दामन में, पर आज एक हंसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं. दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं. माँ की लोरी का एहसास तो है हमको, पर माँ को माँ कहने का आज किसी के पास वक्त नहीं. पैसों की दौड़ में ऐसा दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं. दिल है घावों से भरा हुआ पर रोने का भी वक्त नहीं. तू ही बताए जिंदगी, जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को एक पल जीने का भी वक्त नहीं. और आप देखो, हम सभी लोग अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं. इतना कॉम्प्लिकेट क्या है? सवेरे शिवानी बहन बता रही थी, गिरीश भाई ने बताया, ये हमारा स्वयं का रचित, दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय अवर ओन थॉट्स. मार्क भाई ने कितना सुंदर बताया, एंग्जाइटी इज समथिंग दैट कैन बी क्रिएटेड इनसाइड. और यही हमने किया, भौतिक संसाधनों के पीछे, टुवर्ड्स दीज वर्ल्डली मैटर्स, हमने इतना इनके पीछे दौड़ा, लेकिन हम लोग भूल गए कि आज जिंदगी में हम लोग खुशी चाहते हैं, जिंदगी में हम लोग शांति चाहते हैं, जिंदगी में हम लोग प्यार चाहते हैं. लेकिन कहीं पर भी आप जाएं, आप ये नहीं कह सकते कि लो भाई 1000 रुपये लो और 1000 किलो प्यार मेरे लिए खरीद लाओ. आप ये नहीं कह सकते कि 5000 रुपये लो और 5 किलो शांति मेरे पास खरीद लाओ. तो आप ये देखो कि जिस चीज़ के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो हमको जिंदगी में खुशी, वो हमको जिंदगी में शांति, वो हमको जिंदगी में सेटिस्फेक्शन दे सकती है, नहीं दे सकती? वो हमको नहीं दे सकती.
तो मेरे आप सब लोगों से एक ही चीज का अनुरोध है कि अपने मन के ऊपर एक क्षण के लिए विराम लगाना बहुत जरूरी है। किस दुनिया में आज हम फंस चुके हैं, किस तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं। सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग दौड़ते रहते हैं और ऐसा है कि टारगेट पूरा करते करते जिंदगी में हमें खुद ही एक टारगेट के रूप में बना लिया है। इस झंझाल से बाहर निकलना चाहेंगे या नहीं, बताइए सभी, हाँ या नहीं? निकलना चाहेंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर हम आगे कब निकलेंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, जो एक ऐसा कोई 7 या 10 पॉइंट प्रोग्राम हम ब्रह्मा कुमारीज में नहीं देते, लेकिन परिवर्तन की अग्नि को अगर हमको ज्वलनशील करना है, इफ वी हैव टू किंडल द कैंडल ऑफ चेंज इन अवर लाइफ, दैट कैंडल हैज टू बी विद इन माई ओन सेल्फ। अपने मन की अग्नि को, मन की दिशा को चेंज करना होगा। आई हैव टू चेंज द वे आई एम थिंकिंग। आज हमारी लाइफ में तनाव क्यों आ जाता है? क्योंकि गोल्स हैं हमारे पास, लेकिन वी आर हैविंग गोल्स विदाउट जॉय। कोई ऐसी चीज हम करें, हम मैकेनिकली करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट हैप्पी। हम अपनी खुशी, अपनी शांति को उसके अंदर बार्गेन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारे मन में ही है या नहीं है? बिल्कुल है। हमारी अप्रोच लाइफ के लिए वो चेंज हो गई है। हमारा जो मटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स हैं उनको हमने इतनी मान्यता दी कि हम लोगों के मन के अंदर से जो स्पिरिचुअल सुकून है, जो शांति है, वो खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं हम वकेशन पे जाते हैं, लोग कहते हैं मंडे से फ्राइडे हम काम करते हैं, सैटरडे संडे हम इंजॉय करते हैं, लेकिन आज के यूथ का, आज के लोगों का इंजॉयमेंट भी मॉल्स में जाके और हम शॉपिंग करेंगे और चीज़ें और अंदर जमा होता चला जा रहा है। वी हैव फॉरगॉटन कि जॉय डज नॉट लाई इन वर्ल्डली थिंग्स, जॉय इज अ इनसाइड क्रिएशन। इट starts फ्रॉम इनसाइड आउट। ताले की बात आपने सुनी थी ना, चाबी की, कितनी सुंदर बात है कि बाहर से मारते रहिए वो चेंज नहीं, वो नहीं खुलेगा, लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिकता की चाबी, रियलाइजेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की चाबी अपने मन के अंदर से लगाते हैं, तो मन जो हमारी आत्मा है वो खुशी के खजाने, वो शांति के खजाने, वो प्यार के खजाने, वो सेटिस्फैक्शन के खजाने वो रिलीज कर देती है। वो हमारी लाइफ को भी परिवर्तन करती है और हमारे साथ जो हर व्यक्ति संपर्क में आता है उसके बोल को, उसके सोच को और उसके कर्म को भी परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है। तो सिंपल सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स लाइफ, किस तरह इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को हम लोग सिंपल बनाएं? सबसे पहली चीज जो है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वी नीड टू डीक्लटर आवरसेल्व्स। एक बारी एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, ही हैड अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ। ही सेड कि आई वांट टू लर्न मेडिटेशन। एक महात्मा के पास गया, एक मॉन्क के पास गया, तो उसने कहा कि मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ। ही सेड मोस्ट वेलकम, आई विल टीच यू मेडिटेशन। वो उनके पास, उन्होंने उनको अंदर बुलाया और बुलाकर कहा कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो साइंटिस्ट ने कहा येस, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सेप्ट मेडिटेशन। इन द मीन टाइम जो महात्मा था वो कप के अंदर चाय को डालता रहा, चाय का कप भरता गया, वो रिलैक्स होकर बात करता चला जा रहा था, साइंटिस्ट परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद चाय कप के अंदर से बाहर निकलकर गिरने लग गई, साइंटिस्ट बिल्कुल बेचैन हो गया। उसने कहा कि आप कर क्या रहे हैं, प्लीज स्टॉप, इट्स कमिंग आउट, इट्स पोरिंग आउट ऑफ द कप। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर साइंटिस्ट, दैट इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग इन योर लाइफ टूडे, यू नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न इज हाउ टू अनलर्न इन योर लाइफ। अपने मन को रिलैक्स कर चेंज करना पड़ेगा। हमने अपने मन को इतना जो कॉम्प्लेक्स बना लिया है, उसके अंदर ये भी भर लिया, वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज इन एवरीथिंग। अपने स्केड्यूल्स को इतना बिजी बना लिया है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इतना फास्ट हम लोग जाते हैं कि हम अपने मन को सोचने की समय ही नहीं देते। 90% लोग मेडिटेशन को एक फैशन की तरह यूज़ करते हैं। येस, इट विल गिव मी टेम्परेरी रिलीफ, इट विल गिव मी टेम्परेरी पीस एंड सेटिस्फैक्शन, बट दिस इज नॉट वॉट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। तो यदि आज हम सब लोग यहाँ पर जो आए हैं, केवल एक दिन की रिट्रीट, एक दिन के सिंपोजिया के लिए नहीं आए, लेकिन ये एक दिन का जो आपका सिंपोजिया है, ये आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बन सकता है। लेकिन कब? जब हम लोग इसको चाहें। और चाहेंगे कब? जब हम लोग अपने मन को समझाएंगे कि हाँ, अच्छा लगा, सब कुछ सुना, लेकिन मेरे मन, आज तुझे चेंज होना ही होगा।
अगर आज तू चेंज नहीं हुआ तो ये मौका तेरे पास दोबारा कभी नहीं आएगा. सो द फर्स्ट स्टेप इन आवर लाइफ, इफ वी वॉन्ट टू मेक अवर लाइफ रिलैक्स, इफ वी वॉन्ट टू मेक अवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, वी नीड टू लर्न टू अनलर्न इन आवर लाइफ. अपने मन को रिलैक्स करिए, रोज सवेरे शाम थोड़ा समय दीजिए आध्यात्मिकता के लिए, स्व उन्नति के लिए, परिवर्तन के लिए, कुछ ऐसे थॉट्स जो आपके और आपके अपने मन के बीच में बातें होती रहें. दूसरा जो बहुत सिंपल स्टेप है, अगर मैं अपनी लाइफ को रिलैक्स करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करना चाहता हूँ, जिसके बारे में हम लोग सुनते भी रहते हैं, वो ये है कि फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड. अपने दिल के अंदर, है ना, दिल एक बहुत ही सुंदर जगह है, उसके अंदर कभी भी नफरत, कभी भी जेलेसी को मत पालिए. मेरे मन में मेरे विचार एक बहुत सिंपल सा आता है कि जिस व्यक्ति के मन में नफरत, जिस व्यक्ति के दिल में नफरत पलती है, जिस व्यक्ति के दिल में हेट्रेड जो है वो भावना रहती है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ मेंटल कैंसर. वो एक ऐसा कैंसर है जो उसको अंदर से खा जाता है. आप देखिए, सोचिए, जब मेरे मन के अंदर किसी के लिए नेगेटिव भावना आती है, जब मेरा दिल जो है वो किसी के लिए घृणा से भरा हुआ है, क्या मैं खुश रह सकूंगा या नहीं, बताइए. मैं कभी भी खुश नहीं रह सकूंगा. मैं अंदर ही अंदर, मेरा दिल मुझे खाता रहेगा. जैसे आप सवेरे सुन रहे थे ना, वी कीप ऑन जनरेटिंग नेगेटिव एनर्जी फॉर द पर्सन, नॉट ओनली फॉर द पर्सन, लेकिन एवरी टाइम वी जनरेट दैट नेगेटिव एनर्जी, बिफोर दैट नेगेटिव एनर्जी रीचेज द अदर पर्सन, आई क्रिएट हर्ट ऑन माई ओन सेल्फ. मैं अपने आप को बार बार अपने दिल को इंजर करता रहता हूँ, मारता रहता हूँ. और दुखी हो तू थोड़ा, और दुखी हो थोड़ा तू, और दुखी हो. तो कभी भी दिल के अंदर हेट्रेड जेलेसी को मत पालिए. अगर आज हम सब लोग केवल एक चीज का परिवर्तन करते हैं कि दिल जो है वो प्यार से भरा हुआ हो. सोचिए, एक लाइट हार्टेड दिल, एक लाइवली दिल. और जो लाइवली दिल जो होता है ना, उसका बहुत सुंदर आईना क्या होता है, हमारा चेहरा होता है. उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ होगा. और किसी ने बहुत सुंदर रूप से क्या कहा है कि हार्ट इज अ वेरी वेरी फर्टाइल प्लेस. It is a very, very fertile. In fact, it's the most fertile place. Whatever you plant in it, it will grow very rapidly. Whether it is love or whether it is hatred. तो दिल में जब हम लोग प्यार का बीज बोते हैं, उसको हम प्यार से भर देते हैं, तो हमारा जो प्यार है वो emit करता है. कोई negative व्यक्ति भी आ गया, चलिए किसी व्यक्ति ने, डॉक्टर साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसको सीधा करूंगा, मैं उसको बदला लूंगा, मैं, मेरा मन उसको, मेरा दिल उसको माफी नहीं करता है. लेकिन आप देखिए कि अगर आप उसको माफी नहीं करेंगे तो वही चीज आपको बार बार अंदर से झिझोड़ती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी. इफ यू जनरेट लव इन योर लाइफ, इफ यू जनरेट हैप्पीनेस इन योर हार्ट, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्लोइंग इन योर लाइफ. और आपके चेहरे, आपके बोल से वो खुशी दूसरे व्यक्ति तक हर वक्त पहुंचती रहेगी. मैं आप लोगों से एक बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ और पूरी लाइफ की फिलॉसफी उससे क्लियर हो जाएगी. कभी कभी दो लोग आपस में लड़ते हैं, और आपने देखा होगा जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वो जोर जोर की एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं. दे आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस इवन दो दे आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं या दे आर इन गुड टर्म्स विद ईच अदर, तो उन्हें अपनी बात को दूसरे तक कहने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, वो आराम से वही बात को कह देते हैं. कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है. और इस पर आप सोचिएगा कि हाँ, यही होता है. जब दो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं तो शारीरिक रूप से तो वो एक दूसरे के पास खड़े होते हैं, लेकिन उनके मन जो होते हैं एक दूसरों से हजारों मील दूर होते हैं. तो उन्हें अपने मन की आवाज दूसरे के मन तक पहुंचाने के लिए जोर जोर की चिल्लाना पड़ता है, अरे सुन ले मेरी बात को, सुन ले मेरी बात को. लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपस में अच्छे टर्म्स में होते हैं, तो वो शरीर के पास हो ना हो, लेकिन उनका मन जब करीब होता है तो अपनी बात दूसरे तक कहने के लिए उनको चिल्लाना नहीं पड़ता, प्यार से कह देते हैं. और कई बारी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अरे तुझे मैं अभी तो याद कर रहा था, तूने एकदम ही फोन कर दिया. यू विल लिव फॉर मोर देन 100 years. दैट इज वाई लव, अफेक्शन, पीस, हैप्पीनेस हैज अ यूनिक पावर दैट इट कनेक्ट्स टू पीपल एंड टू सोल्स वेरी ब्यूटिफुली. जैसे बहुत सुंदर रूप से कहा जाता है कि वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड ऑफ मैन,
लेकिन हम लोग यहां पर यह मानते हैं, परमात्मा यह कहते हैं कि जिस मन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो दो लोगों को आपस में लड़ा सकता है, उस मन के अंदर इतनी शक्ति भी है कि वो दो बिछड़े हुए दिलों को, दो देशों को आपस में मिला भी सकता है। लेकिन संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल है, केवल हमें उसको परिवर्तन करना होगा। तो आज से सब लोग दिल के अंदर, आज जो भी है ना, दिल के अंदर प्यार रखेंगे या नहीं बताइए, सभी के लिए, गरीब हो अमीर हो, सभी लोग हाथ खड़ा करके आगे पीछे, यस और नो? यस, करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो सर्वव्यापी जो घृणा है वो हम सब लोगों को एक जहर की तरह खत्म कर देगी। तीसरा बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो हम लोगों को करनी है कि जिस तरह हम अपने दिल को घृणा से, हेट्रेड से खत्म करते हैं, उसी तरह अपने मन को चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। अपने मन के अंदर चिंता किस चीज की करनी है? फॉर व्हाट शुड वी वरी अबाउट? वी कीप ऑन कैरिंग द बर्डन ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। एक बारी क्या हुआ, बड़े मजे की बात है, कि स्टार न्यूज वाले अंगद जी का इंटरव्यू लेने पहुंचे और उन्होंने अंगद जी से कहा कि अंगद जी एक बात बताइए। उन्होंने कहा, पूछिए। उन्होंने कहा, जब रावण जी राम जी की सीता को चोरी करके ले गए तो आप भरे रावण के दरबार में पहुंच गए और आपने अपना पांव ऐसे रख दिया और कहा कि जो इस पांव को हिला लेगा तो सीता मैया उनकी हो जाएगी, कि आपको डर नहीं लगा, टेंशन नहीं हुई? तो अंगद जी बहुत मुस्कुराते हुए बोले कि भाई देखो, वो पांव रखना मेरा काम था, वो हिले ना हिले वो राम का काम था। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि डोंट कीप टेंशन। परमात्मा यही कहते हैं कि अरे मेरी संतान, तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो, तुमको मैं पूरे दिन और रात हमेशा याद करता रहता हूं, देखता हूं, दो मिनट तो मेरी तरफ देखो, लेकिन तुम भी एक बिजनेस डीलिंग असिस्टेंट की तरह हो। हे भगवान, ये करा देना तो मैं अगले हफ्ते ही तेरे पास वैष्णो देवी आ रहा हूं, नहीं मैं पूरी जा रहा हूं, नहीं मैं तिरुपति जी जा रहा हूं, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, लेकिन बिजनेस मत करो, मन के अंदर चिंता मत रखो। क्यों? क्योंकि परमात्मा यही कहता है, यदि तेरा प्यार मेरे साथ 100% है तो मैं तेरे लिए बैठा हूं। तेरी बुराई के अंदर भी तेरी भलाई छिपी हुई होगी, और ये मैं अपने अनुभव से, मैं 28 साल के अनुभव से, अपने बचपन से मैं देख रहा हूं कि भगवान कहता है मैं जादूगर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से परमात्मा से बढ़कर जादूगर कोई नहीं है। लेकिन कब? जब आप उसके लिए 100% समर्पित हैं, जब आप उससे प्यार करते हैं, जब आप उससे बातें करते हैं। तो मन के अंदर कभी भी कोई घृणित भावना मत रखिए। कई बारी क्या होता है, वी कीप ऑन कैरिंग द बर्डन ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। देखिए, ऐसे ही हम लोग बोझा अपने मन के अंदर ढोते रहते हैं, कोई पुरानी बातों को, कोई पुराने व्यक्ति को, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में कोई ऐसी बात, और वो बात हमको कहीं ना कहीं मन में कचोटती रहती है ना। उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज मेरा टाइम आने दो, मैं उसको सीधा कर दूंगा। और हम कहते कहते परेशान हो गए। भाई, दुनिया में किसी को सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया ही गोल है। आप कैसे किसी को सीधा कर सकते हो? यू कैन ओनली स्ट्रेटन योर थिंकिंग। आप केवल अपनी विचारधारा को स्ट्रेट कर सकते हो। एक बारी क्या हुआ, दो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे, नदी पार करने का टाइम आया, तो इन्होंने, एक भिक्षु ने देखा कि एक कन्या बीच में फंसी हुई थी, उसको दया आई, उसने उठाकर उसको नदी के पार रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे भिक्षु को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा हमारे शास्त्रों में तो नारी को हाथ लगाना पाप है, इसने गलत काम किया, मैं इससे बात नहीं करूंगा। उसने उससे ना बात करी और अपनी तपस्या भी बिल्कुल भंग कर दी, सोचता रहता पूरे दिन, अपने मन को कुंठित कर कर बैठ गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन बीत गए, पांचवें दिन वो इतने क्रोध में था, उससे रहा नहीं गया। उसने उठ के अपने मित्र को कहा, मित्र तूने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा मैंने क्या गलत काम किया? उसने कहा आज से पांच दिन पहले तूने उस कन्या को सर पे उठा के रखा था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका मित्र बहुत मुस्कुराते हुए उससे बोला कि मित्र, मैंने तो उसे आज से पांच दिन पहले केवल 5 मिनट के लिए उठाया था, तू तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने सर पे उठा के घूम रहा है। और यही 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 हम सब लोग करते हैं। जिंदगी में क्यों नहीं चेंज करना पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखे ना, मल्टीपल लोब, किसी ने सेरिबेलम में छुपा रखा है, किसी ने टेम्पोरल लोब में घुसा रखा है, किसी ने पैराइटल लोब में घुसा रखा है। बस सब जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की, किसी व्यक्ति के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग हमारी लाइफ के अंदर छुपी हुई है। और हाँ, आने दो, मैं उसको सीधा कर दूंगा। अरे तेरे साथ उसने ऐसा किया, वो तो है ही ऐसा, उसने उसके साथ भी ऐसा किया था। तेरे पास मोबाइल है, तूने उसको बताया उसने तेरे साथ ऐसा किया, चल चल उसको भी बता दे। और थोड़ी देर बाद वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पूरे सबके मन को नेगेटिव खत्म कर देती है, और हम लोग क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग हर्ट ऑन आवर सेल्फ एंड वी आर सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू द पर्सन। आर वी इंप्रूविंग?
नो. और इसमें मजा भी बहुत आता है. क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी किसी के बारे में सुने ना, हाँ जरा बताना क्या था, जरा पूरा बात बताओ, खोल के बताओ जरा पूरा का पूरा. और किसी ने कोई पॉजिटिव चीज की हो, अरे रहने दो, ऐसे नहीं है, वो ऐसा है नहीं, वैसे ही कर दिया होगा. क्यों? क्योंकि वी आर नॉट ट्यून्ड इन द प्रेजेंट वर्ल्ड टू लिसन टू पॉजिटिविटी. तो अगर हम लोग अपनी लाइफ को लिटिल बिट लेस कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं, थोड़ा ईजीनेस चाहते हैं, तो माइंड को चिंताओं से मुक्त करिए. मत ढोइए इस तरह का भोजन बोझा, इसका कोई पर्पज नहीं है. वॉट फॉर आर यू रनिंग इन योर लाइफ, इसकी हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं है. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चौथी एक्सरसाइज जो है, दैट इज लर्न टू लिव योर लाइफ सिंपली. डोंट मेक योर लाइफ टू कॉम्प्लिकेटेड. अरे मारुति में जा रहे हैं, मर्सिडीज में जा रहे हैं, उसके पास ज्यादा है, उसके पास कम है, हाउ डज इट मैटर? मेरा मतलब तो ये है कि अगर बड़ी गाड़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, जब उस पर खरौंच लगती है तो खरौंच उस पर बाद में लगेगी, पहले इधर खरौंच लग जाती है, तो वो बहुत दिक्कत देती है. मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ, ये रियल इंसिडेंट है कि लाइफ को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यस आई एम द अचीवर, आई एम द बॉस. जब अलेक्जेंडर यहाँ से जा रहे थे, जो कि विश्व विजेता सो कॉल्ड कहलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भारत से जा रहे हैं, तो भारत की एक नायाब चीज हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं. तो उनके मंत्री ने कहा, हाँ एक चीज है यहाँ पे जो आप ले जा सकते हैं साथ में, यहाँ के महात्मा बड़े ज्ञानी होते हैं, आप उनको अपने साथ ले जाओ तो बड़ा आनंद आएगा और बहुत बढ़िया चीज होगी. तो उन्होंने कहा कि ये इतने ज्ञानी होते हैं कि आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देंगे. तो उन्होंने कहा किसी भी महात्मा को ले आओ. एक महात्मा को उनके सामने लाके खड़ा कर दिया. तो उन्होंने उनसे कहा, अलेक्जेंडर ने, कि आपको हमारे साथ ग्रीस देश वापस चलना है. तो महात्मा ने कहा, जी मैं नहीं जाऊंगा. तो अलेक्जेंडर एकदम गुस्से में तमतमा गया, तलवार निकाली और महात्मा के गले पे गुस्से से रखते हुए कहा कि तू जानता नहीं मूर्ख, तू कौन, किससे बात कर रहा है? मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, मैं विश्व विजेता हूं, और अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. तो महात्मा जी फिर भी मुस्कुराते रहे और उन्होंने उनकी तलवार को हाथ से नीचे करते हुए कहा कि हे महान राजा जी, आपको मैं दो बातें बताना चाहूंगा. आपने अभी दो बातें बोली. पहली चीज तो आपने कहा कि आप विश्व विजेता हो, ये बिल्कुल गलत है. और दूसरी चीज आपने कहा कि आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे, ये भी बात बिल्कुल आपने गलत कही. अलेक्जेंडर एकदम सुन हो गए. उन्होंने अपनी तलवार बिल्कुल नीचे करके कहा कि मुझे बताओ कैसे मैंने गलत कहा. तो उन्होंने कहा कि अभी आप घोर क्रोध में मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि मैं तुम्हारे को मार डालूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना है. क्रोध को मैंने वश में किया है और जो मेरा गुलाम है इस वक्त आप उसके भी गुलाम हो, तो आप किसी भी तरह विश्व विजेता नहीं हो. और दूसरी बात उन्होंने उनसे कही कि आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे, आप मेरे शरीर को तो मार के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा, मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरे सोच, मेरी विचारधारा के टुकड़े इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता. तो अलेक्जेंडर की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने यही कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता लगे कि जिस व्यक्ति ने इस दुनिया को जीता जब वह इस संसार से गया था, तो वो खाली हाथ गया था. और तभी गालिब कितनी सुंदर रूप में क्या कहते हैं कि बिना लिबास के आए थे हम इस जहां में, ध्यान से सुनिएगा, बिना लिबास के आए थे हम इस जहां में, बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा. और यही हम सब लोगों की कहानी है. कहां दौड़ रहे हैं हम लोग? जिस तरह आए थे अपने साथ कुछ भी लेकर वापस नहीं जाएंगे. तो लाइफ को सिंप्लीफाई कर दीजिए, लाइफ को रिलैक्स कर दीजिए. लाइफ में ईगो का, अहम भाव का कोई रोल नहीं है. मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, आप कहते हो हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम दिस हैं, हम दैट हैं, लेकिन मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ. मैं ठीक है, हार्ट की एंजियोग्राफीज करता हूँ, वेरियस प्रोसीजर्स करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर यू, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट फॉर अ पेशेंट. अगर मैं घर पे जाऊँ अपने माता पिता को कहूँ हेलो आई एम डॉक्टर मोहित गुप्ता, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, डज इट मेक एनी सेंस? इट डज नॉट. तो जब भी मैं यहाँ पर आया और आप लोग भी यहाँ पर आए, तो अपना जो मुकुट, जो सूडो मुकुट हम पहनकर घूमते रहते हैं ना, मैं कार्डियोलॉजिस्ट, मैं बिजनेसमैन, मैं पॉलिटिशियन, मैं फलाना, मैं डिमकाना, और आजकल स्पिरिचुअल गुरुज भी आ गए हैं, 1008, 16000, 1008, श्री 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 मल्टीपल, किस चीज के लिए? संज्ञाएं शरीरों को कभी नहीं दे सकती. शास्त्र पढ़ने से परिवर्तन नहीं होता, शास्त्रमय जीवन होने से हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को ला सकते हैं. तो हमारा जीवन जो है वो बोलना चाहिए, और जब हमारा जीवन बोलता है तब हमारे अंदर परिवर्तन के साथ साथ संसार के अंदर परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं. चौथ पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग अपनी लाइफ को ईजी करना चाहते हैं, वो ये है,
मेक टाइम फॉर योर रिलेशनशिप्स. जिंदगी में इतना भी काम मत करिए कि हम लोगों को अपनी जिंदगी के लिए टाइम ही ना मिले. आजकल लोग बोलेंगे बच्चे बात ही नहीं सुनते, और बच्चे कहेंगे मम्मी डैडी हमारी बात नहीं सुनते. जब बच्चे मम्मी डैडी के पास आते हैं, उनसे बात कहते हैं, तो मम्मी डैडी कहते हैं नहीं नहीं रुक जाओ, तुम गलत हो, तो मेरी बात सुनो. बच्चे एक बारी सुनेंगे, चुप हो जाएंगे, दूसरी बार फिर बात बोलेंगे, फिर उनके मन को दबा दिया जाता है, फिर उनको ये कहा जाता है नहीं तुम ये बात सुनो. जब वो आपकी बात, आप उनकी बात को नहीं समझते, तो वो किसके पास जाएंगे? वो उसके पास जाएंगे जो उनकी बात को समझता है. उनकी बात कौन समझता है? उनकी बात वो समझता है जो उनकी बात को आराम से सुनता है. उनकी बात कौन सुनता है? उसका स्कूल में रहता हुआ दोस्त सुनता है. जब उसका दोस्त उसकी बात को प्यार से सुनता है, तो वो आप उसके ज़्यादा करीब होगा या आप उसके ज़्यादा करीब होंगे? वो उसके ज़्यादा करीब हो जाता है. जब वो उसके ज़्यादा करीब हो जाता है, तो वो आपस में एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं. जब वो बातें शेयर करते हैं, कोई नेगेटिव बात भी आती है, वो उसे कहता है ये करो, तो क्योंकि वो उसकी बात सुनता है, वो उस बात को करने के लिए उस कर्म को करता है, और नेगेटिविटी क्रिएट होती चली जाती है. और आजकल प्रॉब्लम यही है, वी कीप ऑन कंप्लेनिंग. लाइफ बिजी है. आईपैड है, आईफोन है, मोबाइल्स हैं, बेस्ट डिवाइसेस हैं दुनिया में. एक क्षण के अंदर लगाया फोन, ऑस्ट्रेलिया बात हो गई, अमेरिका बात हो गई, मेरे पास ये फोन है, मेरे पास ये गैजेट है. क्या आपके पास 2 मिनट का समय है कि मैं घर जाकर अपने बच्चों से बात करूं, जिस वक्त टेलीविजन ना चल रहा हो, एक भोजन दिन का हम लोग सब साथ बैठकर खाएं, जिसमें वो अपनी भाषा में कुछ कहें, हम अपनी भाषा में कुछ कहें, और संगम हो दो डिफरेंट जनरेशंस का. दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. ये आज की भौतिकता, आज का संसार हमसे टोटल तरीके से छीन चुका है. यदि हम लोग संसार में, और आज हम सब लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि परिवर्तन को अपनी फैमिली के अंदर आरंभ करिए. दूसरे व्यक्ति को चेंज मत करिए, वो चेंज हो जाएगा तो मैं परिवर्तन हो जाऊंगा. नहीं, पहले मैं चेंज होऊंगा. पहले जिस घर में मैं रहता हूँ, उस घर की गाड़ी को मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा, बहुत सुचारू रूप से चलाऊंगा. तो आज भी जब मैं भी आता हूँ अपने घर पर, चाहे रात को 10 बजे, चाहे 11 बजे, मेरे फादर फिजिशियन है, मदर साइकोलॉजिस्ट है, मेरी सिस्टर इज आईटी पर्सन, शी रन्स अ वेरी बिग कंपनी. हम सब लोग कोशिश करके 99% रात का एक भोजन साथ खाते हैं. कोई टेलीविजन नहीं होती. ऐसी बात नहीं होती कि झड़प नहीं होती. वो कुछ बात कहेंगे, जनरेशन गैप है. मैं कहूंगा नहीं, आई थिंक दिस शुड बी डन इन दिस वे. वो कहेंगे नहीं, मेरी बात ये है, इसको इस तरह समझो. लेकिन वो जो रूह रेहान होती है, वो प्यार की जो झड़प भी होती है, इन दैट वी आर एक्सचेंजिंग इमोशंस विद ईच अदर. ये बात ही ना हो एक दूसरे से, उससे कहीं बेहतर है कि वी एक्सहेल एंड एक्सप्रेस अवर इमोशंस. लेकिन आज की भागती दौड़ती जिंदगी में शायद हमको टाइम नहीं मिलता. तो निकालेंगे आज के बाद सब लोग टाइम, एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, आधा घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर टाइम दीजिए, उनसे बातें करिए. आप देखिए लाइफ ऑटोमेटिकली आधी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएगी. अगली और बहुत सुंदर एक्सरसाइज हमारी लाइफ की है कि लिव लाइफ हैप्पीली. मुस्कुराना जिंदगी में कभी मत छोड़िए. अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसको बहुत सुंदर रूप से इसी तरह कहते हैं कि हर जज्बात को जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को दुआ नहीं मिलती, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पना नहीं मिलती. तो जिंदगी के अंदर हमेशा मुस्कुराना, जिंदगी के अंदर चेहरा आपका ग्लोइंग रहे. लेकिन ग्लोइंग कब होगा? जब मेरा मन जो है बहुत लाइट होगा. केवल भारी रूप से ग्लोइंग नहीं. कोई आया मतलब का, यस बिजनेस डील, ओ यस वेलकम सर, बिग ब्रॉड स्माइल 12 इंच, और जिससे मतलब नहीं है उसके लिए स्माइल मेरी गायब हो जाती है. और कई बार ऐसे हो जाएगा, हम देखेंगे जैसे उस व्यक्ति ने पता नहीं क्या कर दिया हो. एक व्यक्ति जिसका जीवन बैलेंस्ड होता है, योगी ना भी हो लेकिन जिसका जीवन बैलेंस्ड होता है, वो नेगेटिव इमोशंस नहीं क्रिएट करता. उसकी लाइफ के अंदर सिंप्लिसिटी, उसकी लाइफ के अंदर रूहानियत ऑटोमेटिकली आती चली जाती है. और मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति की जिंदगी में खुशी है, जिस व्यक्ति की जिंदगी में जॉय है, जॉय इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. मरीज से आप डॉक्टर ना भी हों, लेकिन किसी दुखी व्यक्ति से आप प्यार से बात ऐसे कर लेंगे, तो उसके मन की पीड़ा को, उसके मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो उसको आप खत्म कर लेते हैं, एंड द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग बेटर. उसकी हीलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. तो बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ के अंदर खुशी को हम बनाए रखें. और अंत में जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इन सब चीज़ों का आधार है, जो सब चीज़ों का बेस है, वो है अलाउ योरसेल्फ
टू बी डिसकनेक्टेड विद टाइम. कई बारी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ के अंदर सब कुछ छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए अपनी जिंदगी के अंदर रिलैक्सेशन ले आइए. अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं नवरात्र रखता हूँ, मैं ये व्रत रखता हूँ. मैं तो अपने सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को बोलता हूँ कि भाई तुम केवल एक ही व्रत रखो एक महीने के अंदर. अगर तुम उस व्रत में कामयाब रहे तो भगवान तुम्हारे ऊपर खुशियों की बौछार कर देगा. एक बार ही ट्राई करो एक महीने के अंदर एक दिन का एक व्रत. और वो कौन सा व्रत है? वो व्रत है मोबाइल व्रत. वो मोबाइल व्रत क्या व्रत है बता रहा हूं मैं आपको. मैं यहां पे खड़ा हूं, दोनों मोबाइल अंदर है, मुझे पता है वो बज रहा होगा, बज रहा होगा, बज रहा होगा. और कैसी हमारी लाइफ हो गई है कि मोबाइल जब हमारा हमारे साथ रहता है, बैठे हुए रिलैक्सेशन से आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, SMS नहीं आया, बजा नहीं, बेचैनी सी होने लग जाती है. समथिंग इज रॉन्ग. क्या बंद तो नहीं हो गया? साइलेंट मोड में तो नहीं रख दिया? सिग्नल नहीं आ रहा, जरा बाहर भागे फटाफट, यूं सिग्नल आ जाए बात कर ले. दिस इज द रेस्टलेसनेस दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवर लाइफ. भगवान ये कहता है कि यदि हम लोग अपने जीवन के अंदर खुशियां लाना चाहते हैं, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर जो सब बातें हमने डिस्कस करी उनको हम लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? द जर्नी हैज टू स्टार्ट इनसाइड. आध्यात्मिक जर्नी हमारी इनसाइड जर्नी है, हमारे अंदर की जर्नी है. क्यों? क्योंकि ये बात हम सब लोगों को जाननी होगी कि यदि परमपिता परमात्मा, हर धर्म, हर वेद, हर शास्त्र में उसको परमपिता परम आत्मा कहा जाता है, परम शरीर नहीं कहा जाता. यदि उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, सुप्रीम बॉडी नहीं कहा जाता, तो हम उसकी संतान शरीर नहीं, हम उसकी संतान क्या होंगे? आत्मा होंगे. परम पिता परमात्मा के बच्चे आत्मा. यदि वो परम शरीर होता तो हम उसकी संतान शरीर होते, लेकिन वो परमात्मा है तो हम उसकी संतान आत्मा है. जब बच्चा कमजोर हो जाता है, जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है, तो बच्चा किसके पास जाता है अपने घर में? आपका बच्चा किसके पास आएगा? आपके पास आएगा या पड़ोसी के पास जाएगा? बताइए, आपके पास आएगा. जब हमारी आत्मा आज वीक हो चुकी है, हमारा माइंड, हमारी साइकी आज वीक हो चुकी है, हमारी बीइंग, जिसके बारे में हम आज सवेरे